आज हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां। ये क्लास ट्वेल्थ का गणित का चैप्टर 11 डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसके अंतर्गत एक टॉपिक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करने की कई मेथड्स हैं, जिसमें से एक मेथड है यदि कोई फंक्शन इस टाइप से दिया हुआ हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या डी टू बाय अपॉन डी एक्स टू इजकल टू एफ ऑफ एक्स। दूसरा है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यानी चरों का पृथक्करण। तीसरा जो से मेथड होता है वो मेथड होता है होमोजेनियस फंक्शंस यदि कोई हो, और तीसरा चौथा जो है इसमें वो है, या इसको बोलते हैं समघात फलन बोलते हैं, चौथा इसमें जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। यानी रैखिक अवकल समीकरण, इसमें इतने मेथड्स हैं इनको डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो हम लोग आज फर्स्ट मेथड यहाँ देख रहे हैं जो कि ये दिया हुआ है डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड डी टू बाय अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और इसको समझने के लिए हम ये एक्सरसाइज 11D के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो कि हम शिवलाल की बुक से क्वेश्चनों को ले रहे हैं। तो ये जिसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें वो दिया हुआ है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस ये जो पहला नंबर दिया हुआ है इसका एक्स डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू वन। तो इसको देखते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन, और इसको लिख सकते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपान एक्स, या इसको ऐसा लिखें डी वाई इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स। अब यह दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर दें, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड तो ये हो जाएगा इसमें डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू वन अपॉन, इसका जो डिफरेंशियल वन लॉग एक्स होता है, नहीं सकते इसको डिफरेंशियल ये वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो लॉग एक्स होता है, और जो लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो वन अपॉन एक्स, यानी अपोजिट प्रक्रिया होती है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। तो यहाँ जो होगा इसका जो इंटीग्रेशन वो होगा लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट। तो ये इसका जो हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। हम यहाँ कांस्टेंट इससे लिखते हैं क्योंकि डिफरेंशियल जो होता है इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसलिए कांस्टेंट लिखना पड़ता है। हम इसमें क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं, इसका जो 19 नंबर क्वेश्चन है सॉल्व ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं, इसको यहाँ डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा वैल्यू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं डी वाई इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड हो जाएगा डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपान ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स। इस स्टेप को सॉल्व करने के हम ऐसे इसको कर सकते हैं, लेट ई पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा, या ये हो जाएगा डी टी, और इक्वल टू इसको देखने की पहले हो जाएगी ई की पावर एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो ई पावर माइनस एक्स और माइनस साइन भी होता है, क्योंकि माइनस एक्स का जब करेंगे तो माइनस वन आएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी यहाँ, तो ई की पावर माइनस वैल्यू हो जाएगी, तो हम इसको ये लिख सकते हैं यहाँ पास, ये तो जो वैल्यू है ये हो जाएगी, क्योंकि ये जो है डी टी है, ये जो पूरी वैल्यू है ये पूरी वाली डी टी की इक्वल आएगी, तो डी टी अपॉन टी यानी वन अपॉन टी का जो जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग टी होता है, हम इससे इसके से समझ सकते हैं वैल्यू को, या इसको y इक्वल टू इसका जो डिफरेंस इंटीग्रेशन y आएगा डी वाई का, तो डी वाई इक्वल टू यू वाई, और इसके बाद जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी, और ये हो जाएगा प्लस कांस्टेंट होता है तो ये हो जाएगा y इक्वल टू लॉग टी प्लस सी, और हमने लॉग टी की जो वैल्यू यहाँ रखी थी, टी की जो वैल्यू में रखी थी ई पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो इसको रखेंगे लॉग ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट सी। एक इसमें क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू sec x अपान sec x प्लस tan x। गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू sec x अपान sec x प्लस tan x। इसको हम क्या करेंगे यहाँ पास, इसको आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, और या फिर इसके वैल्यू को हम पुट करेंगे, पहले इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन या इसको डी एक्स को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x अपॉन sec x प्लस टेन एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। अब इसके वैल्यू तो पुट करते हैं हम यहाँ पास, हम तो यहाँ हो जाएगा लेट t इक्वल टू
sec x प्लस टेन एक्स हो जाएगा डी टी इक्वल टू sec x, जो डिफ्रेंशिएशन हो तो वो था sec x tan x, और tan x का होता है sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा डी एक्स। इसको ऐसा लिख सकते हैं डी टी इक्वल टू sec x कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan x प्लस sec x या sec x प्लस tan x, और डी एक्स इसको ऐसा लिख सकते हैं sec x डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन sec x प्लस tan x, और हमने इसको t पुट किया, इसको लिख सकते हैं डी टी अपॉन टी, तो यहाँ वैल्यू जो हो जाएगी वो जाएगी इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी, कॉन्स्टेंट हो जाएगा वाई इक्वल टू लॉग टी प्लस सी, यानी लॉग टी की वैल्यू रखेंगे हो जाएगा sec x प्लस tan x प्लस सी। तो इस प्रकार से उसको सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, लेकिन ये हमें ध्यान देना है कि हमने टी sec x प्लस tan x ऑलरेडी टी उसको पुट किया था, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू डी टी अपॉन टी, यानी इसका मतलब है कि यहाँ जो है वन अपॉन टी पहले से ही है ये, और डी टी अपॉन टी यहाँ एक्स्ट्रा है, तो इसका वन अपॉन टी इसका होगा, यानी इसको हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ वैल्यू हो जाएगी वाई इक्वल टू, जैसे वन अपॉन टी स्क्वायर ये हो गया वन अपॉन टी स्क्वायर, और ये डी टी प्लस सी है, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पास ये माइनस वन अपॉन टी प्लस सी, तो वाई इक्वल टू माइनस, और टी की जो वैल्यू है sec x प्लस tan x प्लस सी, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू इसमें आएगी, फिर इसको हम लिख सकते हैं माइनस sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, इसकी वैल्यू वन की इक्वल होती है sec x प्लस tan x प्लस सी, या इसमें फैक्टर करेंगे जैसे एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो उससे इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा sec x प्लस tan x, और ये हो जाएगा sec x माइनस tan x अपॉन हो जाएगा sec x प्लस tan x प्लस सी, तो ये संख्या कैंसिल होगी तो अपने पास यहाँ बचेगा माइनस sec x माइनस tan x, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी वैल्यू होगी यहाँ पास ये प्लस हो जाएगा तो tan x माइनस sec x प्लस सी। इस प्रकार से ये दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होगा। इसी में क्वेश्चन नंबर एक है, 23 क्वेश्चन है सॉल्व। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू साइन एक्स गिवन, डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू साइन एक्स, और इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पास हो जाएगा डी वाई वाई डी एक्स इसका डी हो जाएगी, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स
प्लस कांस्टेंट, और इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पास, इसको और मैनेज करते हैं तो वैल्यू की उसको लिख सकते हैं हम डी वाई स्क्वल टू माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी वन या सी डी एक्स कर सकते हैं, इसमें सी डी एक्स हो जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे, अगेन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये हो जाएगा डी वाई इक्वल टू माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अभी इंटीग्रेशन अभी नहीं लगाएंगे, अभी यहाँ अप्लाई करेंगे यहाँ पास, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन सी डी एक्स। तो ये जो वैल्यू जाएगी यहाँ पास हो जाएगा वाई इक्वल टू, और कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी वन। तो इस प्रकार से ये दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं हम डी वाई प्लस, इसको और इसको मैनेज कर सकते हैं, मैनेज इसको कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे मैनेज करने के बाद वन अपॉन एक्स प्लस एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू जीरो। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी डी वाई प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो, हो जाएगा वाई प्लस इसका हो जाएगा वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स, और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू अपर प्लस कॉन्स्टेंट। क्योंकि यह बराबर है तो बराबर में इस कॉन्स्टेंट को लिखेंगे हम यहाँ पास, ये कॉन्स्टेंट यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार से दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होगा। एक इसमें क्वेश्चन है जो कि एग्जांपल क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ये 10th नंबर का है, पेज नंबर 778 का है। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु के बनाने का सीमांत लागत मूल्य समीकरण सी डैश एक्स इक्वल टू डी सी अपॉन डी एक्स इक्वल टू टू प्लस 0.15 एक्स से दिया जाता है। उस वस्तु के बनाने पर कुल लागत
कुल लागत मूल्य ज्ञात करो। और इसमें दिया है सी ऑफ जीरो इजकल टू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन दिया गया है, गिवन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये यहाँ पास हो जाएगा सी डैश एक्स इजकल टू डी सी अपॉन डी एक्स इजकल टू 2 + 0.15 x, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, यहाँ हो जाएगा सी एक्स इजकल टू 2 x + 0.15 x² / 2 + constant। कांस्टेंट कौन सी या क्या कुछ भी इसको लिख सकते हैं। या ये होता है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है सी, कांस्टेंट क्योंकि सी यहाँ दिया हुआ है तो हम इसको के मान सकते हैं, इसको के ही मानेंगे इसको। जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ ही हो जाएगा वेन एक्स इजकल टू जीरो देन सी जीरो इजकल टू 100 फ्रॉम 1, तो सी जीरो इजकल टू 2 × 0 + 0.15 × 0.2 + k, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ, मतलब जो है अपने पास। और सी जीरो की वैल्यू 100 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 100 आएगी फ्रॉम 1, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये हो जाएगा सी एक्स इजकल टू 2 x + 0.15 x² / 2 + 100। सो दिस इज रिक्वायर्ड, जो भी इसमें दिया हुआ लागत मूल्य इसमें दिया हुआ है, यह हो जाएगा दिस इज रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर या जो भी लागत मूल्य इसमें दी हुई है वो। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने अवकल समीकरणों के हल करने की पहली विधि द्वारा समीकरणों को हमने हल किया है। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट मेथड के द्वारा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।